हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों मैं आज मेरे यूट्यूब चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। दोस्तों तो कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया है मैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। जितने भी नया यूट्यूब चैनल जो यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उन लोग को भी बहुत ध्यान देना है दोस्तों कि दूसरों का जो भी वीडियो वगैरह कॉपी नहीं करना है। तो मैंने क्या किया था, मैं शुरू में जो स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने क्या किया था कि दूसरे का जो वीडियो को छोटा करके शॉर्ट करके मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में डाला था दोस्तों। तो उससे क्या हुआ कि अभी बहुत महीने गुजर गया, लगभग 4 महीने हो गया था उसमें, मतलब कुछ कॉपीराइट क्लेम भी नहीं हुआ, मतलब नहीं शो कर रहा था, कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तो आज अचानक से मेरे मतलब चैनल में कॉपीराइट मतलब स्ट्राइक आ गया है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, दूसरों का चैनल, दूसरों का वीडियो, मतलब कहीं से भी जो कॉपीराइट क्लेम वाला जो वीडियो आप लोग यूट्यूब में मतलब अपलोड मत कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि राइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो एक तो आ गए दोस्तों, अब दूसरा भी आ गया, तो अगर दो स्ट्राइक आ गए तो एक महीने के अंदर अगर आ गया और एक स्ट्राइक आ गए तो मेरा जो चैनल है जो वो सस्पेंड हो जाएगा दोस्तों। और अगर 3 स्ट्राइक आ गया तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप लोग भी ये सब ध्यान रखना है, जो नया जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब अपने चैनल में अपना वीडियो डाल रहे हैं, तो उन लोग को ध्यान देना है कि दूसरों का कॉपी नहीं करना चाहिए। तो आज मैं बहुत खुश था दोस्तों। तो लेकिन देखिए, आज मैंने यूट्यूब चैनल के लिए जो मेरा जो वॉइस जो कट कट के आता है, जो सुनाई नहीं देता, जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करने जाता हूँ, जहाँ पे वीडियो करने जाता हूँ, बहुत सारे लोग जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोगों की आवाज़ से मैं सिर्फ मोबाइल से मैं वीडियो बनाता था, तो मेरे पास माइक नहीं था। तो मैंने आज फ्लिपकार्ट से एक माइक मंगाया, जो माइक भी आ चुका है दोस्तों। तो अभी आप लोग मैं ये माइक ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा है माइक। दोस्तों मेरा माइक मैं ओपन करने जा रहा हूँ, खोलने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट से आया है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब के लिए मतलब वो साउंड क्लियर नहीं हो रहा था दोस्तों, तो माइक ऑर्डर किया था, तो आज माइक आ गया, साथ साथ में कॉपीराइट भी आ गया, मेरे कॉपी स्ट्राइक भी आ गया मेरे यूट्यूब में। तो दोस्तों छोटी छोटी गलती से ही सीखते हैं लोग, तो मैंने भी सीखा कि कॉपीराइट क्या होता है और जो स्ट्राइक कैसे आते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आते हैं, वो भी मैंने आज जान लिया दोस्तों। तो धीरे धीरे सीखते हैं, डरना नहीं चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक कॉपीराइट आ गया तो डरना नहीं चाहिए। तो मैंने मंगाया, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा है इसके अंदर माइक। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से पैकिंग में आया है, अच्छे से पैक किया हुआ है, तो उसके अंदर ये था। तो यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा बैग मिलेगा, प्लास्टिक बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो इसके अंदर है ये माइक, और वाह बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए ये प्यारा सा माइक, प्यारा सा अच्छा सा, देखिए दोस्तों ये। अब मैं इसको लगा के मैं आप लोग के लिए ब्लॉगिंग करूंगा, और दोस्तों मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आगे लाने वाला हूँ। तो आपको जो मेरा भाषा है, मैं अपने ब्लॉगिंग में आप लोग को मेरा भाषा भी आप लोग को सिखाने वाला हूँ, जो नेपाली लैंग्वेज है, जो इंडियन नेपाली, आई एम द इंडियन नेपाली, जो मैं नेपाली भाषा बोलता हूँ। तो हम लोग को असल में गोरखा बोलते हैं, जो दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आपको मैं नेपाली लैंग्वेज में भाषा आपको सिखाने वाला हूँ आने वाले ब्लॉग्स में। तो साथ में मैं ब्लॉगिंग भी करूँगा और आप लोग को मेरा भाषा भी आप लोग को थोड़ा बहुत आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ
जुड़े रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में मेरे ब्लॉगिंग देखते देखते मेरा जो भाषा जो है नेपाली तो उसको भी सीखेंगे। तो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाय बाय।